ठीक है, क्वेश्चन था आपका, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस सिचुएटेड एट कांस्टेंट डिस्टेंस पी फ्रॉम द ओरिजिन। देखो, ऐसी जो भी लाइंस होंगी वो क्या होंगी? ऑल दी लाइन्स विल बी टेंजेंट ऑफ दिस सर्किल ऑनली। देखो, क्या होगी ये? एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और चूंकि इसका जो भी होगा हर एक पॉइंट से इसकी डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। कॉन्स्टेंट है पी। हर एक पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो आप पी लिखो, ए लिखो, जो भी लिखना है लिखो। पी हो गया, पी हो गया, पी हो गया, है ना? हर एक पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट है और हमको पता है हर एक पॉइंट पे इसकी टेंजेंट बनाई जा सकती है ना। यस। तो ऐसी लाइन का इक्वेशन या फैमिली जो होगी वो क्या होगी? वो इन सारे टेंजेंट्स का इक्वेशन होगी, है ना? किसी भी पॉइंट पे इसको बना सकते हैं, ठीक है बेटा? ओके, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ये सारी लाइंस एक पॉइंट से या ओरिजिन से पी डिस्टेंस पे ही होंगी। ओके, लिखो, ऑल सच लाइंस आर, ऑल सच लाइंस आर टेंजेंट टू दी सर्किल। आप रेडियस, इक्वेशन क्या होता है इसका? एम एक्स प्लस पी अंडर रूट 1 प्लस m² है ना। ठीक है, एंड एम इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होता है। ठीक है, एम इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होता है ना? तो यस, अगर एम डी वाई बाई डी एक्स हो गया तो इसमें वेरिएबल कितने हुए हैं? एम और पी दो एम तो वेरिएबल, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, एक ही वेरिएबल हुआ एक पी। ही इतने डी वाई बाई डी एक्स में ही इक्वेशन बनेगा, वेयर एम इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, है ना? तो हमें एम को इलिमिनेट करना पड़ेगा सबसे पहले, तो इसमें से देखते हैं क्या मिलेगा। तो अगर एम को इलिमिनेट करें तो ये इक्वेशन बन जाएगा वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस पी अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, इसको यस। फर्दर सॉल्व करें। पी क्या है? कांस्टेंट डिस्टेंस है ना? पी क्या है? कांस्टेंट डिस्टेंस है। ओके, नाउ इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या मिल सकता है हमको? ये मिल सकता है वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ये तो भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुआ ना, नहीं सर, अभी तो सर एक बार डिफरेंशिएट नहीं किया हमने इसको। नहीं? डिफरेंशिएट करने से मतलब नहीं होता है, डी वाई बाई डी एक्स इसमें आ गया ऑलरेडी, ठीक है? लेकिन अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉपर नहीं बना क्योंकि अंडर रूट टर्म है यहाँ ठीक है पे। सर, पी कांस्टेंट, और सर कांस्टेंट भी है। स्क्वायर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस।
डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, ऑर्डर कितना हो जाएगा? डिग्री जो होगी वो वन होगी, डिग्री वन होगी इसकी, फिर ऑर्डर वन होगा, डिग्री टू होगी, ऑर्डर वन होगा, डिग्री टू होगा, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में इसने इस कांस्टेंट डिस्टेंस को क्वेश्चन में नहीं दिया होता, हेलो, यस अगर इसने क्वेश्चन में इस डिस्टेंस को खुद फिक्स नहीं किया होता तो फिर हम इसको एलिमिनेट करते हैं, ओके यस सर। तो जो कांस्टेंट्स होते हैं हम उसको तो एलिमिनेट करके नहीं बनाते, जो जब हम किसी पैरामीटर को लेते हैं उसमें इंडिपेंडेंट कांस्टेंट होते हैं, क्या है इन? इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, ठीक है, क्या है ये इंडिपेंडेंट कांस्टेंट? उससे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा हमने ना, तो ये m भी हमने चूज किया, c भी हमने चूज किया, दोनों इंडिपेंडेंट कांस्टेंट हैं, है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको दे दे कि c आपको दे दे क्वेश्चन ऑलरेडी, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन वैल्यू हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हम चूज करते हैं पैरामीटर, ठीक है, यस उसको एलिमिनेट करके हम इक्वेशन देते हैं इसको, ओके सर। जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन किया था सर, उसमें सर जैसे सर उसमें बी और वो सब था, तो क्वेश्चन बोलो एक मिनट में देख रही हूँ। तो जैसे ये वाला एक क्वेश्चन था कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एट द ओरिजिन, तो सर उसमें जो रेडियस है वो भी तो गिवन ही टाइप्स हुआ एक तरीके से, नहीं दिया हुआ है। देखो उसमें फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन एंड सेंटर ऑन द वाई एक्सिस, है ना। नहीं सर ये वाला नहीं था सर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एट द ओरिजिन था। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द कॉन्सेंट्रिक सेंटर एट द ओरिजिन, है ना, यस सेंटर दिया हुआ है, इनमें इन सब की एक ही वैल्यू फिक्स नहीं की दी गई है आपको। तो फिर जैसे हमने जो उसके r की वैल्यू ली कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, अब ये हमें लेनी पड़ रही है ना, यस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये हमें चूज करनी पड़ रही है, ओके okay? इन्होंने नहीं दी, इन्होंने दिया नहीं है। अगर ये दे दें तो अगर एक बार r फिक्स कर देंगे तो फैमिली ऑफ सर्कल्स नहीं बन पाएगी ना फिर वो, यस ठीक है। लेकिन यहाँ पे सी फिक्स करने के बाद में फैमिली ऑफ लाइंस बन रही है हमारे पास, ओके यस जैसे ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू जो इक्वेशन बनाया था आपने, ठीक है yes, उसमें पी को अगर फिक्स ना करते हम तो वो फैमिली ऑफ लाइंस बन जाता, जैसे पी फिक्स करेंगे वो सिंगल लाइन में रिड्यूस हो जाएगा, ओके यस ठीक है। बस इस क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ेगा अच्छे से हम लोगों को कि क्या वेरिएबल्स हैं और किनको हटाना है हमें, ठीक है। ध्यान रखेंगे कोई भी चीज जो उसने पैरामीटर में दे दिया है ऑलरेडी ये कांस्टेंट है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं इक्वेशन में या करेंगे, ठीक है यस ओके। अगला क्वेश्चन क्या था, ये था फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास हुज एक्सिस आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड हैव लेटेस्ट रेक्टम ए, ओके। अब यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम ए दे दिया है ना, यस इक्वेशन में ए को एलिमिनेट नहीं करेंगे हम, ठीक है, मैंने ए को ही कर दिया, ए को रखेंगे, ठीक है। तो क्या होना था इक्वेशन इसका,
बीटा और अल्फा पॉइंट्स लिए थे एक्स, मतलब अल्फा एक्स के लिए और बीटा उसके लिए वाई के लिए, तो तो मैंने वाई सोचा माइनस था बीटा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस अल्फा। इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर ना, अल्फा खाली होगा ओके सर और नहीं अल्फा होगा। इसे हाँ होल स्क्वायर नहीं अब होगा। इस इक्वेशन में आपके पास ए जो है ये आपकी नोन वैल्यू हो गई, ठीक है। अल्फा और बीटा दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपने चूज किए हैं खुद, है ना। यस सर अल्फा बीटा आपको दिया नहीं गया था, ये आपने खुद चूज किया है, ठीक है ओके। तो यानी यस इसको सॉल्व करके अल्फा और बीटा को एलिमिनेट करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, डिफरेंशिएट करें इसको, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टू वाई माइनस बीटा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए बन जाएगा, है ना। यस अभी चूंकि हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो इसको एक बार हम और डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाना पड़ेगा, तो टू वाई माइनस बीटा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इस बार, ये है ना। और ए चूंकि यस कांस्टेंट वैल्यू है तो जीरो हो जाएगा। अब वाई माइनस बीटा को एलिमिनेट कर लें तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा, तो यहाँ से वाई माइनस बीटा की वैल्यू निकाल लें तो ये डी वाई बाई डी एक्स वन अपान डी वाई बाई डी एक्स अपान टू मिल जाएगा ना। तो यानी टू वाई माइनस बीटा की वैल्यू अगर डायरेक्टली लिखें यहाँ से तो क्या मिल जाएगा, ये ए अपान डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। तो इसको डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर लिखें और इसको यहाँ पे इसके साथ में डाल दें तो ये क्यूब हो जाएगा ना, डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये है ना। समझ आ गया, यहाँ पे ए अपान डी वाई बाई डी एक्स लिखा हमने ओके, यस सर और डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दे दोनों ऊपर नीचे तो क्या मिल जाएगा, ये इसका खत्म हो जाएगा, इस पे एक पावर बढ़ जाएगा ओके। तो यस सर ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, रिक्वायर्ड डी हो जाएगी। डिग्री क्या होगी इसका, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा इसका सबसे पहले निकालेंगे फिर ही उसकी डिग्री निकाल सकते हैं। ऑर्डर 2 होगा, डिग्री 1 होगी। ऑर्डर टू हो गया, डिग्री वन हो गई ओके। अगला यस क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस ए कॉस इनवर्स एक्स प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स एज इट्स जनरल सॉल्यूशन। तो मेरा इसका आगे जो इक्वेशन आई है देख रहे हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, a कॉस इनवर्स x है प्लस b है ओके। और a एंड b क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, है ना, मतलब इक्वेशन से इनको हटाना ही हटाना पड़ेगा ओके। क्या है आपका रिजल्ट इसका, मेरा इसका आंसर आया 1 माइनस x स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी वन एक्स माइनस स्क्वायर एक्स स्क्वायर फिर इंटू डी डी स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स डी एक्स स्क्वायर स्क्वायर फिर माइनस माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स डी वाई बाई डी इक्वल टू टू आएगा, माइनस चेक कर लो साइन एक बार, ठीक है। हाँ सर, मतलब -2 को सर मैं उधर ले आई तो इक्वल टू 0 हो गया। हाँ इधर कर दो, ठीक है, हाँ सही है। इसका डिग्री और ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा 2 और डिग्री होगी 1। ऑर्डर टू हो गया, डिग्री वन हो गया, यही इसका डिजायर्ड इक्वेशन हो गया ओके। यस नाउ
अब आज सीखेंगे सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या सीखेंगे? सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज क्या सीखेंगे हम? सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो रूल क्या है? सबसे पहला रूल इसका है जो हमें जानना चाहिए, वो ये है कि जिस तरीके से हम क्वेश्चन बना रहे थे कि n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले रहे थे तो उसका ऑर्डर n हो जा रहा था ना, उसी तरीके से हमें यहाँ पे इसको रिवर्स में सोच के रखना है। ये नोट करके रखना है, द जनरल सोल्यूशन, द जनरल सोल्यूशन The general solution of a differential equation The general solution of a differential equation is an The general solution of a differential equation Hello हेलो। यस यस जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द nth ऑर्डर ऑफ द nth ऑर्डर must contain n and only n and only n independent arbitrary constant ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, ये आपको बताएगा कहाँ तक आपको जाना है। ठीक है, अब देखते हैं। ये वही वाला रूल हुआ ना जो हमने कल डिस्कस किया था कि अगर n n आर्बिट्री कांस्टेंट होते थे तो ऑर्डर n होता था, अब अगर रिवर्स करेंगे तो अगर n उसका ऑर्डर है ठीक है तो उसमें n ही इंडिपेंडेंट कांस्टेंट आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते ना। ठीक है, तो अब ये गाइडलाइन है, अब इस पे स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली टेक्निक होती है मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन, मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन। इसमें क्या होता है, एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ करके और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, जैसे वेरिएबल सेपरेशन एफ एक्स डी एक्स, नेक्स्ट टॉपिक हुआ मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन, ये सॉल्व करने का तरीका हुआ, ये गाइडलाइन हो गई। ठीक है, आप इससे चेक कर सकते हैं कि आपका इक्वेशन सही है कि नहीं है। अगर उसका ऑर्डर n था, उसमें n इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो आपका इक्वेशन सही है। ठीक है, तो जी वाई डी वाई इक्वल टू जीरो, अगर ये दिया हुआ है हमें और इसको हमें सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दें ये एफ एक्स डी एक्स जी वाई डी वाई ऑलरेडी अलग अलग करके दिया हुआ है ना। यस सर,
ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा एफ एक्स डी एक्स प्लस जी वाई डी वाई। इसका ऑर्डर कितना होगा इस इक्वेशन का? नहीं, इसका ऑर्डर वन होगा। देखो, दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिख सकते हैं इसको, एफ एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू जी वाई लिख सकते हैं ना इसको, यस सर। है ना। इसमें एक ही डी एक्स अपॉन डी वाई टर्म आया हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, वन। यानी इस इक्वेशन में कांस्टेंट कितना हो सकता है, सिर्फ वन हो सकता है। तो जब इसको फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट आप इंटीग्रेशन ऐड कर लेंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। यस सर। वेयर सी इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सी इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसी को हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, है ना। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड द जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, दिस इज कॉल्ड द जनरल सोल्यूशन ऑफ, क्या है ये, जनरल सोल्यूशन ऑफ दी गिवन इक्वेशन। मतलब इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लोगे, जो भी वैल्यू आएगी वो इसका जनरल सोल्यूशन बन जाएगी, ठीक है। नाउ आगे बढ़े, एंड इफ गिवन फंक्शन इज अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डी ई इज ऑफ टाइप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, इस टाइप का इक्वेशन दिया हो आपको, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, यहाँ पे ए एक्स है, बी वाई है, सी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। ये देखो, ध्यान रखो, ये क्या है, डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल आपको यूज करना पड़ेगा। अगर बी इक्वल टू यहाँ पे कोई वैल्यू दे दी जाए, क्या दे दी जाए, बी इक्वल टू कोई वैल्यू दे दी जाए, तो आप इसको सॉल्व करके इसको इस तरीके से बनाएंगे कि ये एक्स के फंक्शन में आ जाए, खाली किसके आ जाए, ये एक्स के फंक्शन में आ जाए, या किसी ऐसे टर्म को यूज करेंगे कि सिंपल एक ही के फंक्शन में आ जाए। एक एग्जांपल इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे करते हैं, तो समझ में आएगा। इस एग्जाम्पल हमको दिया है लॉग डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4x - 2y -2 दिया हुआ है। कितना दिया है, -2 दिया है, और ये कंडीशन दिया है गिवन दैट y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 1, है ना। इस तरीके से इसके साथ में भी कंडीशन दी होगी, क्या दी होगी, इसके हमेशा साथ एक में भी कंडीशन दी कंडीशन दी होगी इसके होगी। साथ में, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू कुछ दिया होगा, कोई कंडीशन दिया होगा, ठीक है, एंड सर्टेन कंडीशन। इस कंडीशन को यूज करके हमें इसको क्या करना है, सिंगल वेरिएबल में ले जाना है ना। जैसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखते हैं, तो क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां से डायरेक्टली देखें तो डी वाई बाई डी एक्स क्या लिख सकते हैं, ई पावर
फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस टू लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस टू लिख सकते हैं, ओके ठीक है। अब इसको सेपरेट करेंगे, सेपरेट कैसे होगा ये हमको पता है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कैसे e की पावर 4x प्लस e की पावर माइनस 2y e के पावर 4x है ना, यस सर, प्लस e के पावर माइनस ऐसे रहने दो 2y प्लस 2 लिख देते हैं इसको, लिख सकते हैं ठीक है सर, यस ठीक है सर, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा e की पावर, हाँ ये मल्टीप्लिकेशन है डॉट, ओके यस। अब इसको सिस्टमैटिक से रीअरेंज करके लिखें तो क्या कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं e के पावर 2y प्लस 2 dy, लिख सकते हैं इक्वल टू ई पावर फोर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, एंड प्लस सी लिखना पड़ेगा हमें है ना, yes. क्यों सी लिखना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर कितना है इसका एक ही है ना, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा इसमें। तो इस तरीके से आप जिनने देखा कि आपके पास ये इक्वेशन दिया हुआ था, आपने इसको सेपरेट कर लिया डी वाई के साथ में वाई, डी एक्स के साथ में एक्स कर लिया, ठीक है ना। इस c की वैल्यू अभी आगे निकालेंगे तो देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, e पावर 2y प्लस 2 अपान 2 मिल जाएगा, e पावर 4x अपान 4 मिल जाएगा, प्लस c रहेगा, 2y प्लस 2 को आप t मान लोगे तो e पावर t बन जाएगा है ना 1 बाय 2 के साथ में, ठीक है यस। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। In this put the condition y equal to 1 and x equal to 1, तो y equal to 1 put up करेंगे और x equal to 1 put up करेंगे तो इससे c equal to हमको मिल जाएगा, this will give us c equal to e power 4 by 4 दे देगा ये, okay? c की value लाके यहाँ पे put up कर दो तो c की value इसमें put up करेंगे इस equation में तो ये बन जाएगा e के पावर 2y प्लस 2 इक्वल टू e पावर 4x, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये e पावर 4 हो जाएगा, सही है yes। इसको और सिस्टमेटिक तरीके से लिख सकते थे लेकिन इतना इनफ है हमारे लिए, दिस इज आवर ओके यस। तो इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था, हमने इसको इस तरीके से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स किया, मतलब एक्स को एक्स साथ ले गए वाई को वाई के साथ ले गए, सॉल्व किया, सॉल्व करके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया, जो गिवन कंडीशन थी उसको यूटिलाइज किया, इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल कर यहाँ पे हमने इसको पुट अप कर दिया, ओके यस। नाउ एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे, क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व, ये बहुत इजी है, सिस्टमैटिक तरीके से खाली स्टेप बाय स्टेप करते जाए हम, चीजें अपने आप बनती जाती हैं इसमें, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 गिवन दैट एक्स इक्वल टू 0 When y equal to 3। ये क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है yes। तो क्या दिया है हमको, e पावर dy by dx equal to x plus 1 दिया हुआ है ना yes। इसको क्या लिख सकते हैं हम, dy by dx equal to log x plus 1, log x plus 1 लिख सकते हैं, पावर 1 है Yes। तो एक ही मिलेगा, इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर दें अब हम,
तो डी वाई इक्वल टू लिख सकते हैं इसको लॉग x प्लस प्लस वन डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दें तो डी वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस सी आ जाएगा, है ना। यस इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, x प्लस वन लॉग एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस सी मिल जाएगी। ठीक है, बाय पार्ट्स लगा के, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, यस ओके, ये मिल गया। यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। नाउ इक्वेशन नंबर वन, पुट एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन दिस, दिस विल गिव यू लॉग वन, लॉग वन की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, थ्री मिल जाएगी। दिस विल गिव यू सी इक्वल टू थ्री, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंप्लीफाई कर लो तो बन गया वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन लॉग एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस थ्री इज योर आंसर, है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन और है साल। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करना है अपने को। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाना है, मतलब इसमें एक्स एक्स वाई वाई के टर्म को सबसे पहले तो हमें अलग करना पड़ेगा, है ना। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज सिंपली वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, लिख सकते हैं। ये हमारा वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा ये, है ना। तो इसको एक मिनट के लिए वन बाई एक्स बाहर रखते हैं अभी, और इस टर्म को ऊपर ले चलते हैं, इसको रीअरेंज करके लिखते हैं। तो देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली, हम वन प्लस एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। यस सॉल्व कर लेते हैं, वाई अपान वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ये हो जाएगा वन बाई एक्स प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स ऑर्डर वन था तो एक ही इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया, वैसे भी इसको इंटीग्रेट कर लो तो क्या बन जाएगा, ये वाई अपान वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ये वन बाई एक्स डी एक्स बन जाएगा, ये वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बन जाएगा प्लस सी आ जाएगा। इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, वाई अपान वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ये वन बाई टी डी टी के टर्म में बन जाएगा, और स्क्वायर है तो टू आपका एडजस्ट हो जाएगा वन बाई टू में, तो वन बाई टू एल एन वन प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा ये, है ना। Yes, ये ln x हो जाएगा, ये आपका tan inverse x बन जाएगा एंड प्लस c बन जाएगा। ठीक है, yes, चाहे तो आप आंसर यहीं पे छोड़ दें, चाहे तो ln वाले टर्म को साथ में ले लें पूरे, क्या करें, ln वाले टर्म को 1 बाई टू था तो उसको अंडर रूट कर दें और इसको साथ में ले लें, तो साथ में ले लेंगे तो इसको लिख सकते हैं वन प्लस रूट वाई स्क्वायर इक्वल टू सी
एक्स ई पावर टेन इनवर्स एक्स आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है, यस। ओके। तो ये तो तब था जब हमारे पास सिंपल थे, हमसे प्रश्न वेरिएबल इजीली कर ले जाते थे। अब अगला फॉर्म देखेंगे इसमें हम, कि जिसमें कुछ डायरेक्टली नहीं होगा ये, लेकिन उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू दी वेरिएबल ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इक्वेशन आपको dy by dx equal to fx bx plus c टाइप का दिया होगा। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा ax plus dy plus c को कुछ पुट अप करके, सम सब्स्टिट्यूशन करके ये बना सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा ये। क्वेश्चन है सॉल्व dy by dx equal to x plus y का स्क्वायर। ठीक है, yes, अब यहाँ पे ध्यान देखो तो यहाँ पे x और y आपके सेपरेबल नहीं दिख रहे हैं। yes, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो लेट x प्लस वाई इक्वल टू कुछ u कर दें, b कर दें, मैंने b ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, डिफ्रेंशिएट करें इसको x के रिस्पेक्ट में तो क्या बनेगा, ये वन बन जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, ये डी बी बाई डी एक्स बन जाएगा, ये है ना। तो यहां से वैल्यू निकाल लें किसकी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लें और इसको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें। तो दिस विल गिव अस, क्या देगा हमें ये, डी बी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या कर लें, डी बी बाई डी एक्स और माइनस वन कर सकते हैं, डी बी बाई डी एक्स ये बी स्क्वायर प्लस वन दे देगा आपको, है ना। यस, दिस इक्वेशन नाउ कैन बी सेपरेटेड, डी बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू डी एक्स हो सकता है। डी वाई बाई डी एक्स एक ही ऑर्डर था तो एक ही इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा या वेरिएबल आएगा। दिस आन इंटीग्रेशन क्या दे देगा, डी बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस सी, इसको इंटीग्रेट कर दो तो वन प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ तो ये भी आपका टेन इनवर्स बी बन जाएगा, है ना। टेन इनवर्स बी इक्वल टू एक्स हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस सी हो जाएगा। टेन इनवर्स बी की जगह पे हम एक्स प्लस वाई पुटअप कर सकते हैं और हमारा इक्वेशन हो जाएगा ये, ठीक है, एक्स प्लस सी। तो दिस सिंपली कैन आल्सो बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं इसको हम, x प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी एज आंसर, है ना। b की जगह x प्लस वाई रख दिया, टेन नोट्स को उधर लेकर चले गए तो सिस्टमेटिक दिखने लगा हमको ये, दिस इज योर आंसर। तो जरूरी नहीं कि हर बार आपको ऐसे सिस्टम दिए हुए हों, आपको सब्स्टिट्यूशन करके इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। yes. चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस वन। अब इस इक्वेशन में था तो हमारे पास दो तरीके थे कि x प्लस वाई को लेकर सॉल्व करें या
वन प्लस एक्स प्लस वाई को लेके सॉल्व करें, ठीक है। तो बेहतर यह है कि हम वन प्लस एक्स प्लस वाई को लेके सॉल्व करें, क्योंकि अंडर रूट से हमें छुटकारा मिल जाएगी। तो लेट अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी, ठीक है। तो पूरा ये अंडर रूट भी लेना था। हाँ, वन प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यस। ये एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा ये, है ना। एक्स प्लस वाई उसको माइनस वन, दोनों साइड से माइनस टू कर दिया तो यहाँ पे माइनस वन बच जाएगा। यस। अब इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर ले हम, तो ये बन जाएगा वन डी वाई बाई डी एक्स, ये जीरो हो जाएगा, ये टू बी डी बी बाई डी एक्स बन जाएगा ये, है ना। यस। तो यहां से हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी मिल गई। क्या मिल गई, टू बी डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन मिल गई। दिस इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिल गया टू बी डी बी बाई डी एक्स माइनस वन। ओके, इसको पुटअप कर दें तो क्या मिल जाएगा हमको, टू बी डी बी बाई डी एक्स माइनस वन टू बी डी बी माइनस वन, ये क्या हो जाएगा इन टू बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लो, बी को बी के साथ में बाकी टर्म को अलग कर दो, ये बन जाएगा आपका सिंप्लीफाई करने पे डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर प्लस बी माइनस टू अपॉन टू बी स्क्वायर बन जाएगा। इसको बी से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बी को इधर लेकर चले आओ, टू बी से नीचे डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा आपका टू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी माइनस टू इंटू डी बी इक्वल टू डी एक्स बन जाएगा। इंटीग्रेट कर दो इसको, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो टू बी स्क्वायर इसको डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, इसको पार्शियल प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर फंक्शन नहीं है ना ये, प्रॉपर फंक्शन है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो टू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी माइनस टू डी बी इक्वल टू डी एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, टू बाहर कर दो, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी वन प्लस, क्योंकि सेम पावर तो वन तो आना ही आना है, वन प्लस, और आगे फ्रैक्शन करेंगे तो थ्री बी माइनस वन बन जाएगा माइनस फोर अपॉन थ्री बी प्लस टू बन जाएगा डी बी इक्वल टू एक्स प्लस सी बन जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर दो सारे को अलग अलग करते हुए, तो ये फंक्शन आपका फाइनली बन जाएगा, क्या बनेगा, ये बन जाएगा टू बी का बी हो जाएगा, वन बाय थ्री है, लॉग बी माइनस वन हो जाएगा, माइनस फोर बाय थ्री है, लॉग बी प्लस टू हो जाएगा, इक्वल टू एक्स प्लस सी हो जाएगा, है ना। अब इसमें बी की वैल्यू पुट अप कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज आंसर वेयर b इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस वाई। ओके,
ओके। यस सेपरेशन आप वेरिएबल से इजीली कर सकते हैं। देखते हैं कुछ होमोजेनियस इक्वेशंस कैसे सॉल्व करेंगे। क्या है होमोजेनियस इक्वेशन? पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं क्या होती है डिफिनेशन। दी फंक्शन एक्स कामा वाई इज सेड टू बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ फॉर एनी रियल नंबर T does not equal to zero, we have f of tx comma ty equal to t power n x comma y. ठीक है? For example. F of x y equal to a x power 2 by 3 plus h x power 1 by 3 into y power 1 by 3 plus x one by 3 plus b y पावर 2 बाई 3 है। ओके तो आप f tx ty निकाल लो इसमें से, ये क्या मिल जाएगा आपको t पावर 2 बाई 3 x के साथ सर मल्टीप्लिकेशन में अब आए। हाँ हाँ ये सारा मल्टीप्लिकेशन है तो t पावर 2 बाई 3 मिल जाएगा a x पावर 2 by 3 plus h x power 1 by 3 y power 1 by 3 plus b y power 2 by 3. So hence this equation will be homogeneous. So this equation is a homogeneous equation. This equation is a homogeneous function. Of degree 2 by 3, ठीक है? यहाँ पे से जो t है वो उससे ही समझ नहीं आया, हमने t से ऐसे 2 by 3 की t की पावर क्यों मल्टीप्लाई? आप सॉल्व कर लो ना इसमें t की वैल्यू पुट अप करो जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे t x पुट अप कर दो, जहाँ पे y लिखा है वहाँ पे t y पुट अप कर दो, ठीक है? और देखो क्या ये कॉमन निकलेगा कि नहीं निकलेगा।
ठीक है तो इस तरीके से होमोजेनियस इक्वेशन में हम डिग्री कैसे निकालेंगे इस तरीके से चेक करके, ठीक है, कि कितने डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है ये, इसकी डिग्री का और जो हम अभी ऑर्डर डिग्री निकालते थे इसका कोई रिलेशन नहीं है अभी। ओके ठीक है, नाउ ये फंक्शन की होमोजेनिटी की डिग्री चेक करने के लिए है। देखो ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx equal to f of xy upon phi of x comma y, where fxy and phi of xy are homogeneous. Function x and y and has same degree.